हेलो एवरीवन, मैं आज आपको हायर सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका यूज़ कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं। जिसका मॉडल नंबर है STW70178BK। ये आप देख सकते हैं ग्लास डोर के साथ में आ रही है वॉशिंग मशीन। इस हायर सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन में दो टब आते हैं, एक आपके वॉश के लिए और कपड़ा खंगालने के लिए हो गया, और एक कपड़ा सुखाने के लिए आता है। और दोनों के ही डोर दिए हुए हैं, ग्लास डोर दिए हुए हैं, ये ग्लास डोर दिए हुए हैं दोनों के, वॉश टब के भी और स्प्रिंग टब के भी। ये दोनों ग्लास डोर दिए हुए हैं, काफ़ी हैवी ग्लास है, शॉर्ट है काफ़ी। इसके अलावा ये कवर दिया हुआ है जो कि आपके नॉब्स को, इसके अलावा ये कवर दिया हुआ है जो कि आपके नॉब्स को, ये मशीन के नॉब्स को कवर करता है, वाटर एंड ऑल से सेफ रखेगा, ये आप देख सकते हैं। और इस मशीन का कंट्रोलिंग ये चारों तीनों बटन से दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट आएगा वॉश टाइमर, फर्स्ट नॉब, सेकंड नॉब है वॉश सिलेक्टर, एंड थर्ड है स्प्रिंग टाइमर। लाइक कपड़े को सुखाने के लिए ये हम नॉब का यूज़ करेंगे, और पानी बाहर निकालना हुआ तो इस नॉब का यूज़ करेंगे, और कपड़े की क्वालिटी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है या फिर स्टैंडर्ड क्लॉथ्स हैं, जैसे भी हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वॉश टाइमर, कपड़े को हमें कितने मिनट्स के लिए वॉश करना है या आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये हो गए थ्री नॉब्स। इसके अलावा अगर आपको ऊपर से वाटर फिल करना है तो ऊपर से भी आप वाटर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बैक साइड पे इनलेट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये वॉश टब में, इस वॉश टब में अगर आपको पानी चाहिए तो इधर एक इनलेट पाइप आएगा, उसे आप कनेक्ट करके वाटर फिल कर सकते हैं। और स्प्रिंग टब के ऑप्शन के लिए इनलेट पाइप यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ से आप फिल कर सकते हैं स्प्रिंग टब में। इसका ड्रेनेज ऑप्शन यहाँ से आएगा, साइड में दिया हुआ है, ये ड्रेनेज ऑप्शन है जहाँ से पानी आउट होता है ड्रेन करने पे। अब हम बात करते हैं वॉश टब के बारे में। वॉश टब में आप देख सकते हैं ये वॉश टब है इसका, जो कि ये पल्सेटर इसे बोलते हैं, पल्सेटर है मूवर, जो कि कपड़े को मूव करने में हेल्प करता है। इसमें फोर विंग्स भी दिए हुए हैं ये, जो कि कपड़े को लेफ्ट मूव करने में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे स्क्रबिंग काफ़ी बेटर होती है कपड़े की, वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेंट कलेक्टर दिया हुआ है जो कि कपड़े में धाके एंड ऑल जो भी होते हैं, लेंट्स एंड ऑल, वो कलेक्ट हो जाते हैं, और इसे आप ईजिली निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ये यहाँ से अप साइड से हल्का सा ये प्रेस करना, डाउन साइड में ये निकल जाता है, निकलेगा, आप इसे वॉश करके अगेन क्लीन करके फिर से ये यहाँ पे फर्स्ट ये डाउन साइड में ये होल दिया हुआ है इसमें रखना है, और ये ऊपर का पोर्शन ये प्रेस करना है, प्रेस करके इन कर देना है, ये फिट हो गया। वाटर लेवल, वाटर मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है, मिनिमम यहाँ तक आपका वाटर होना चाहिए अगर कम कपड़े हैं तो, फुल लोड अगर आपने किया है तो यहाँ तक वाटर लेवल दिया हुआ है, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वाटर लेवल है। तो आप अपने कपड़े के हिसाब से आपको जितना नीड्स है उतना वाटर फिल कर सकते हैं अपने अंदाज से, ये इजी टू फिल है। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रिंग टब की। स्प्रिंग टब में आप देखते हैं अपर डोर और ये डाउन डोर, इनर डोर,
ये दो डोर आते हैं स्प्रिंग टब में। इसके अलावा इसके साथ ये एसेसरीज आता है, राउंड पैड आप देख रहे हैं, ये एक एसेसरीज आएगा जो कि हम कपड़े के ऊपर रखते हैं, इसे जब ये कपड़े को सुखाना होता है इन करके फिर उसके ऊपर रखते हैं। स्प्रिंग टब का राउंड टब दिया हुआ जो कि कपड़े को सुखाने में काफ़ी अच्छा स्प्रिंग देता है, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस मशीन को यूज़ कैसे करते हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, कपड़े फिल कर देना, आपको कपड़े फिल कर देना है जितने जो भी आपके कपड़े हैं, आपने कपड़े फिल कर दिया, वाटर फिल किया, डिटर्जेंट दे देना है। वाटर फिलिंग का ऑप्शन मैंने बताया था आपको, अगर ऊपर से फिल करना ऊपर से आप बकेट के थ्रू भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ पाइप का कनेक्शन देकर आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे पाइप, वाटर फिल कर सकते हैं पाइप कनेक्ट करके। आपने वाटर फिल कर दिया, कपड़े दे दिया, डिटर्जेंट दिया, अभी आना है ये वॉश टाइमर पे। वॉश टाइमर आपको 15 मिनट्स का रखना है, ये 15 मिनट्स रख दिया। अगर हैवी कपड़े हैं आपके तो स्ट्रॉन्ग पे रखना है, मिक्स क्लॉथ्स हैं तो स्टैंडर्ड पे रख दें। ये आपने कर दिया, आपको ऊपर है आपको कौन सा मोड चाहिए, ये अपने कपड़े के हिसाब से आपने सेट कर दिया। इतना करके स्विच ऑन कर देना है, स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली रोटेट होके वॉश टाइमर जो नॉब है ये ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, और रोटेट होके आके यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो गया, अभी आपको क्या करना है, कपड़ा आपका वॉश हो गया। वॉश होने के बाद इसमें से हमें कपड़े को खंगालना है। इसमें खंगालने के लिए फर्स्ट हमें जो इसमें डिटर्जेंट वाटर है उसे ड्रेन करना है, बाहर निकालना है। तो इसे आप बाहर निकाल दें, ड्रेन ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वाटर आपका डिटर्जेंट सारा आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद आपको क्या करना है, कपड़े को खंगालना है। खंगालने के लिए इसे अगेन नॉर्मल मोड में रख दें। अगर आप इसी मोड पे रखते हैं और फ्रेश वाटर फिल करते हैं तो आपका वाटर बाहर आउट होता रहेगा। तो फर्स्ट आपको ध्यान देना है, इसे नॉर्मल मोड पे ले आएँ, नॉर्मल मोड पे रख के फ्रेश वाटर फिल कर देना है। फिल करके आपको जो भी टाइम चाहिए, 3 मिनट या 6 मिनट जैसा भी टाइम चाहिए कपड़े को खंगालने के लिए, आप सेट कर दें। सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे फिर से स्टॉप हो जाएगा। मतलब आपने एक बार कपड़े को धुल दिया, एक बार खंगाल दिया है, अभी क्या करना है, एक बार और अगर खंगालना है तो सेम वही प्रोसेस करना है, पानी को बाहर निकालना है, वॉश टब का जो भी डिटर्जेंट वाटर है इसे बाहर निकालना है। बाहर निकाल के आपको नॉर्मल मोड पर रखना है, नॉर्मल मोड पर रख के अगेन 3 या 6 मिनट का टाइम सेट कर देना। टाइम सेट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होगा, स्टॉप होने के बाद आपको क्या करना है, कपड़े को सुखाना है। सुखाने के लिए इसमें से 6-7 कपड़े निकालने हैं, वॉश टब, ये स्प्रिंग टब में आना है, कपड़े को इन करना है। कपड़ा आपने इन किया, इन करके इस कवर को कपड़े के ऊपर से रख देना है, प्रेस करके अंदर कपड़े को ऊपर से रख देना है। रख के ये पूरा बंद कर देना, परफेक्टली बंद करना है। अगर आप इसे बंद नहीं करते हैं, ओपन ही रह जाता है, या ओपन करके आप छोड़ देते हैं तो ये ऑन नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको इसे बंद करके रखना है, प्रॉपरली अच्छे से बंद करके रखना है। आपने इसे बंद कर दिया, बंद करके आपको टाइमर सेलेक्ट करना है, कपड़ा सुखाने के लिए स्प्रिंग टाइमर है। तो 2 मिनट 3 मिनट या 4-5 मिनट जैसा भी आपको कपड़े की सुखाने की क्वालिटी चाहिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर टाइम सेट कर सकते हैं। सेट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर यहाँ पे आके रुक जाएगा। कभी कभी होता है हम ऑन करते हैं इसे, जैसे ही ऑन करते हैं अगर इसका बैलेंसिंग बराबर नहीं होता है तो ये स्प्रिंग जो टब होता है काफ़ी हिलता है, मतलब काफ़ी ज़ोर से आवाज़ होती है इसकी। तो उसे घबराना नहीं है, बराबर उसे बैलेंस करना है, कपड़े को आपको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करके अगेन फिर से बंद करना है इसे, बंद करके जो भी टाइम चाहिए आप सेट करके स्विच ऑन कर सकते हैं। स्विच ऑन करेंगे ये आके ऑटोमेटिकली अगेन यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अगेन वही प्रोसेस करना, अगर आपको कपड़े कुछ बचे हुए हैं इसमें तो इस टब से कपड़े को निकालना है, इसमें इन करना है, इन करके कपड़े को इन करके अगेन इसे ये जो कवर दिया हुआ है इस कवर को कपड़े के ऊपर लगा देना है। कपड़े को ऊपर लगा के इसको बंद करना है, बंद करके टाइम अपने अंदाज से आपको जितना मिनट चाहिए या टाइम चाहिए आप सेट करके स्विच ऑन कर दें। स्विच ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे अगेन स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया, आपका सिंपल यूज़ है।
एंड आपका वॉश एंड स्प्लिन दोनों कंप्लीट हो जाएगा।